इंडिया में प्रॉपर्टी डीलिंग से एसोसिएटेड कई सारी धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और कुछ लोग को लगता है कि ये इललेजिटिमेट मनी को लेजिटिमेट करने का तरीका है। और यही करने का एक और तरीका है सेल ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू पावर ऑफ अटर्नी। कुछ साल पहले तक इंडिया के कई स्टेट्स में पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर पॉसिबल था। In fact, it became so popular in the capital that the Supreme Court had to step in and declare it illegal. But why exactly? What is power of attorney? और ये illegal क्यों है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। What is the sale of property through power of attorney? इंडिया के कुछ स्टेट्स में प्रॉपर्टी डिमांड हाई होने के कारण गवर्नमेंट को प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री ट्रांसफर में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। हाउएवर द बायर एंड सेलर में नीड टू हरी द प्रोसेस। इन सच केसेस पावर ऑफ अटर्नी हेल्प्स एस्टैब्लिश द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम प्रीवियस ओनर टू न्यू ओनर। इन सिंपल वर्ड्स पावर ऑफ अटर्नी एक डॉक्यूमेंट है जो कि ये स्टेट करता है कि कोई भी प्रॉपर्टी कौन से ओनर से किस ओनर के पास जा रही है। सो व्हाई इज इट इलीगल? 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू पावर ऑफ अटर्नी को नियरली इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत यह है कि व्हाई नियरली? वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू प्रॉपर्टीज अभी भी सेल एंड बाय हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्वड। हाउएवर इट इन्वॉल्व्स सेवरल रिस्क। सबसे पहले तो पावर ऑफ अटर्नी यूजली उन प्रॉपर्टीज पर होती है जिनकी रजिस्ट्री नहीं होती या जो अनरजिस्टर्ड कॉलोनीज में होती हैं। इस कारण बैंक्स लोन सैंक्शन नहीं करते एंड बायर्स एंड सेलर्स के लिए अपने इलेजिटिमेट मनी को लेजिटिमेट करना आसान हो जाता है। सेकेंडली, सेलर्स एंड बायर्स पावर ऑफ अटर्नी डॉक्यूमेंट के लिए किसी भी एडवोकेट से कंसल्ट कर सकते हैं एंड डॉक्यूमेंट्स अवेल कर सकते हैं। इट्स नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट जिस वजह से कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड नहीं होता एंड ये प्राइमरली ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होती है। एज अ रिजल्ट फॉर्जिंग कैन बिकम अ मेजर कंसर्न। फॉर दीज रीजंस द सुप्रीम कोर्ट हैड टू टेक अ स्टैंड। हाउएवर अगर आप ऐसा घर खरीदना चाहते हैं जिसकी रजिस्ट्री आपको 6 से 8 महीनों बाद मिलेगी तो आप पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू ट्रांसफर ले सकते हैं। बट यस, ऐसे में मैजिस्ट्रेट से विल जरूर साइन करवा लीजिएगा और उसके बारे में और जानने के लिए जुड़े रहिए housing.com के YouTube चैनल से। इसके अलावा आप कंसल्ट कर सकते हैं housing.com पर हमारे एक्सपर्ट्स को जो आपकी हेल्प करेंगे इन अंडरस्टैंडिंग द होम लोन प्रोसेस, मेकिंग योर होम बाइंग एक्सपीरियंस पर से परफेक्ट। If you found this video useful, please like and subscribe. साथ ही आप कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कब खरीद रहे हैं अपना नया घर। और if you have friends who are planning to buy a new home, share this video with them. हम आपसे मिलेंगे next video में। तब तक के लिए bye.